समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जब कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया, उस वक्त से ही अखिलेश के पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, जब मुलायम सिंह को मैनपुरी भेजा गया तो फिर ये करीब करीब तय हो गया कि खुद अखिलेश आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ और वो अब इसी सीट से ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आजमगढ़ से अखिलेश के चुनाव लड़ने के सियासी मायने क्या हैं? क्या पूर्वांचल में मुलायम सिंह की जगह भर पाएंगे अखिलेश यादव? दरअसल आजमगढ़ से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही इस जिले की प्रासंगिकता एक बार फिर बढ़ गई है। अखिलेश के सामने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की चुनौती है। 16वीं लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते थे, हालांकि तब उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। मुलायम को 19% और बीजेपी के रमाकांत यादव को 16% वोट मिले थे। कभी मुलायम के ही शागिर्द रहे रमाकांत ने गुरु को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। एसपी बीएसपी मिलकर चुनावी मैदान में है, गठबंधन इसका लाभ उठाने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी यहां बीएसपी के परंपरागत मतदाताओं के बीच बिखराव के लिए जुगत लगा रही है। अखिलेश की उम्मीदवारी से पूर्वांचल में फिर एक बड़े समीकरण की बुनियाद पड़ गई। जाहिर है अब मोदी के बाद पूर्वांचल में अखिलेश की ही बड़ी छाया दिखेगी। अंतिम दो चरणों में पूर्वी यूपी के चुनाव होने हैं, छठे चरण में आजमगढ़ और सातवें में वाराणसी में मतदान है। अंत तक सत्ता पक्ष मोदी और विपक्ष अखिलेश के नारों की धूम मचाएगा। वैसे भी एसपी की स्थापना में सबसे बड़ी ताकत आजमगढ़ की रही है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह तो आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते थे। आजमगढ़ ने बड़े नेताओं को जमीन और शोहरत दी, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद यहां से पलटने में लोगों ने देरी नहीं लगाई। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह यहां एक बार फिर नहीं गए। बताया जा रहा है कि मुलायम की बेरुखी से स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश पूर्वांचल में मुलायम की भरपाई कर पाते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।